नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आप बात करने वाले हैं कि क्या जो है सो छोटे कैमरा बड़े कैमरा से बेहतर हो सकते हैं। तो इसका आंसर सीधा है कि मतलब हो नहीं सकते, होते भी है। तो लोगों को ये मिथ है उनके दिमाग में घुसा हुआ कि यार जो कैमरा बड़ा है दिखने में एकदम बताते हैं इतना बड़ा है वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसका आंसर है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब ज़्यादा बड़ा कैमरा हो तो मतलब ज़्यादा बेहतर क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा। आप कभी भी इस बात पे न जाए कि कोई कैमरा कितना बड़ा है या कितना मतलब ज़्यादा साइज का है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ज़्यादा बड़ा साइज वाला कैमरा ही अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस करे। छोटे कैमराज भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस करता है। आप नेसेसरी देखिए कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपको किस टाइप का काम करना है, उसी टाइप के हिसाब से जो है आप कैमरा ढूंढिए। उसी साइज में आपको बेस्ट कैमरा मिल जाएगा बेस्ट क्वालिटी के साथ। जैसे गोप्रो हो गया, गोप्रो मात्र इतना छोटा है लेकिन वो 6-7 हज़ार के डिजिटल कैमरा को जो है टक्कर दे सकता है, आराम से टक्कर दे सकता है। टक्कर क्या दे सकता है यार, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। गोप्रो बहुत बढ़िया क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा। और छोटा कैमरा डिजिटल कैमरा थोड़ा सा बड़ा होता है कॉम्पैक्ट कैमरा, तो कॉम्पैक्ट कैमरा उससे घटिया, क्योंकि क्या कहते हैं गोप्रो का प्राइसिंग भी ज़्यादा है। तो यही हमेशा देखें कि प्राइसिंग है उसमें क्या क्या फीचर्स है, और यही सब डिपेंड करता है कि मतलब एक्चुअली में जो कैमरा बेहतर है या नहीं। आप 70 हज़ार का एक हैंड हेल्ड कैमरा खरीद लीजिए जो बहुत बड़ा होगा, भारी भरकम होगा, और 70 हज़ार का आप DSLR खरीद लीजिए छोटा होगा, लेकिन DSLR उससे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा, ये फैक्ट है। क्योंकि 70 हज़ार नहीं, उससे ज़्यादा का थोड़ा ले लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा, ये फैक्ट है। तो कहने का मतलब है कि डिपेंड नहीं करता है कि मतलब साइज कितना बड़ा है कैमरा का, ये हमेशा भूल जाइए कि साइज इसका बड़ा है तो बेहतर क्वालिटी होगा। ये याद रखिए कि मतलब उस कैमरा में जो है सो कितना रिजोल्यूशन तक क्या कहते हैं रिकॉर्ड कर सकता है, कितना फ्रेम पर सेकंड में रिकॉर्ड कर सकता है, उसका रॉ फाइल में रिकॉर्ड करता है या नहीं, या फिर उसका पिक्सल जो है सो सेंसर साइज कितना है, और होता है जूम कितना है, जूम जनरली क्वालिटी पे उसका मतलब लेंस किस टाइप का है, जूम जनरली क्वालिटी को कभी कभी घटा देता है, तो ये भी देखिए कि उसमें जो है लेंस किस टाइप का लगा हुआ है, कितने एमएम का लगा हुआ है, लेंस किस टाइप का है, क्योंकि लेंस भी बहुत मैटर करता है कैमरा के क्वालिटी में। तो यही सब देखा कीजिए, कभी भी ये नहीं देखिए कि यार इसका कैमरा बहुत बड़ा है तो होगा बेहतर क्वालिटी, इसका कैमरा बहुत छोटा है तो होगा घटिया क्वालिटी। मेरा जो डिजिटल कैमरा है उससे ज़्यादा बढ़िया वीडियो मेरा जो है फ़ोन प्रोड्यूस कर लेता है, इसका क्या मतलब हुआ यार। फोन डिजिटल कैमरा छोटा है, सेंसर साइज भी डिजिटल कैमरा छोटा है, लेकिन फिर भी जो है बेहतर क्वालिटी प्रोड्यूस कर लेता है। तो सुपर है, सिंपल सा बात है कि मतलब कभी भी जो है सो मतलब ये नहीं चाहिए कि हाँ ये कैमरा छोटा है तो बेहतर क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा। रेड का जो कैमरा आता है, रेड आप अगर आपको पता होगा रेड के बारे में, रेड एक ब्रांड है, बेसिकली कैमरा ब्रांड है, ये बहुत ही हाई 8K रिजोल्यूशन वाले जो कैमराज होते हैं वही बनाता है, 4K वाले बनाता है, जनरली 8K वाला बनाता है, 8K या 6K, मैंने उसका देखा है वेबसाइट पे, तो 6K या 8K के वेबसाइट मतलब जो कैमरा जो है उसके पास है, और वो कई लाख रुपए का, 50-50 लाख, 25-25 लाख रुपए का कैमरा, समझे, 25-25 लाख रुपया नहीं कर सकते हैं, डॉलर में बोले तो 25-25 हज़ार डॉलर, ऐसे करके 50-50 हज़ार डॉलर, 50-50 हज़ार, 25-25 हज़ार डॉलर जो है लाखों करोड़ में पहुंच जाता है, लाखों में पहुंच जाता है ऑब्वियसली। तो कहने का मतलब है कि रेड का कैमरा बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है अगर क्वालिटी की बात करें तो वो, लेकिन उतना बड़ा भी नहीं होता, इतना छोटा हमारा, उसको फिल्म मेकर यूज करते हैं उस कैमरा को जनरली, और उसी कैमरा में अगर आप लेंस लगा लीजिएगा अगर कोई बढ़िया तो लगेगा कि हाँ यार बड़ा कैमरा है। तो कहने का मतलब कभी भी इस बात पे ना जाए कि मतलब कैमरा अगर छोटा है तो बेहतर क्वालिटी नहीं होगा, बड़ा है तो बेहतर क्वालिटी होगा। एक और बात है कि बहुत लोग सोचते हैं यार मोबाइल बेहतर क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकता है DSLR से, तो हम आपको बता दें 15 हज़ार का मोबाइल जो है सो 50-50 हज़ार 70-70 हज़ार वाले जो है सो DSLR को टक्कर देता है, इमेज हो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग हो। DSLR 4K नहीं कर सकता है लेकिन फ़ोन कर सकता है 4K में रिकॉर्डिंग, वो भी स्लो मो के साथ, DSLR वो नहीं कर सकता है। तो देखिए कि आपका नीड क्या है, आपको किस टाइप का कैमरा चाहिए, आपको जिस टाइप का कैमरा चाहिए आप उसी के हिसाब से खरीदे। अगर आपको छोटा कैमरा चाहिए, बाइक के लिए चाहिए तो GoPro ले लीजिए, वो भी बेहतर है।
या कोई भी ऐसा करके जो है मतलब आता है एक्शन कैमरा, वो ले लीजिए, छोटा होता है लेकिन क्वालिटी बहुत बढ़िया देता है। अगर आपको ओवरऑल चाहिए कैमरा जिसमें ज़्यादा इधर उधर ना हो और अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस करता हो, फ़ोन खरीद लीजिए, फ़ोन बेहतर क्वालिटी देगा ओवरऑल में। और अगर आपको जूम बहुत ज़्यादा चाहिए तो DSLR ले लीजिए या हैंडी कैम ले लीजिए, उसमें भयानक जूम होता है। और वाटरप्रूफ चाहिए तो निकॉन का कुछ एक आता है 7000 एक 12000 की 11000 में, फुल पिक्स करके कोई कैमरा है, तो उसी वेबसाइट पे जाएगा तो पता चल जाएगा, एकदम बच्चे टाइप का दिखता है, वो भी वाटरप्रूफ है। जनरली एक्शन कैम भी वाटरप्रूफ होता है। तो कहने का मतलब आपका नीड देखिए, आपकी ज़रूरत क्या है, उसी के हिसाब से जो है तो आप अपना कैमरा चूज कीजिए। अगर आपका मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको बेहतर क्वालिटी नहीं चाहिए लेकिन जूम ज़बरदस्त चाहिए, तो DSLR ले लीजिए, वो सब एकदम भयानक देगा, 720p में रिकॉर्ड करेगा, ज़्यादा कोई कोई 1080p में भी करता है DSLR, और ज़्यादा महंगा जाइएगा तो पता नहीं 4K करता होगा लेकिन उनको पता नहीं इस बारे में, कभी देखे नहीं है उतना महंगा कैमरा DSLR वाला, तो बता नहीं सकते इस बारे में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बड़ा कैमरा मतलब बेहतर क्वालिटी नहीं होता है, बड़ा कैमरा मतलब उसको बड़ा बनाया गया है उसके काम के हिसाब से। एक फ़ायदा हो जाता है बड़े कैमरा का, क्योंकि उसका सेंसर साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है तो उसमें डायनेमिक रेंज भी ज़्यादा होता है, समझ गए, तो ये होता है फ़ायदा। लेकिन अब तो छोटे कैमराज में भी जो है मतलब डायनेमिक रेंज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने लगा है, यहाँ तक कि स्मार्टफोन में भी। तो यही बस था और कुछ नहीं था, छोटा सा वीडियो था, 6 मिनट हो चुके हैं, 6 मिनट 35 सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।